नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर वन इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी के कुछ 30 दिन बचे हैं, 30 दिन के आसपास बचे हैं। मतलब हम लोगों ने जब ये सेशन स्टार्ट किया था 30 दिन बचे थे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में कैसे आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर करेंगे वो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं मात्र 30 दिनों के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म 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 को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन का आज से पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था और उसकी लिंक है यहाँ पर, टिंग यहीं पर है। आप इसको क्लिक कीजिए और इसको देखिए। डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं। एनीवेज, फिर लिंक मतलब सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको जो है कुछ रूल्स बताए थे, फिर थर्ड लेक्चर में मैंने आपको कुछ और रूल्स बताए थे, फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको कुछ और रूल्स बताए थे। बहुत सारे रूल्स हो गए। नहीं, बेसिकली आप देखे जाए तो सिलोगिज्म को दो पार्ट में बांटा गया, एक है निश्चित वाले, एक है संभावना वाले। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में मैंने आपको निश्चित डेफिनेट कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में वो करना सिखाया था, और इससे लास्ट वाले लेक्चर में पॉसिबल कंक्लूजन जो होते हैं, संभावना वाले कंक्लूजन जो होते हैं, उसका एक रूल सिखाया था। तो आज पॉसिबल वाले कंक्लूजन के अगले रूल की ओर बढ़ेंगे। अगला रूल जो है वो है कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष, वो भी काई में संभावना में। संभावना मतलब होती है पॉसिबिलिटी। जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर के लिए यहाँ पर है टिंग लिंक। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संभावना वाले निष्कर्षों में शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। शब्द कैसे, एक तो शब्द संभावना, दूसरा होता है हो सकता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में शब्द होता है कैन और होता है आपका पॉसिबिलिटी। ये अगर वर्ड्स आएंगे कंक्लूजन के अंदर, ये शब्द अगर निष्कर्ष के अंदर आएंगे, तभी वो संभावना वाले होंगे। और जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और सिखाया है, उस तरीके से आपको हल करना है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होंगे, चुटकियों में आंसर और करेक्ट सॉल्यूशन आएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ से सकारात्मक संभावनाएं आती किस प्रकार से, मार्कर कहां है, मिल गया। तो कुछ से सकारात्मक संभावनाएं आती हैं, सम ए कैन बी बी, कैन बी बी बी, नो बी बी, कैन बी बी, ठीक है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या ऐसे भी बोल सकते हैं सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। हिंदी में कहा जाएगा कुछ ए बी हो सकते हैं, या फिर कहा जाएगा कुछ ए बी, कुछ ए के बी होने की संभावना है। आमतौर पर जो मैंने लिखा है या जो मैंने बोला है, उस प्रकार की ही लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लैंग्वेज कुछ नई भी आ जाए तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, लेकिन 99% आपका लैंग्वेज यही आएगा। तो इस प्रकार की जब लैंग्वेज कंक्लूजन में आए, निष्कर्ष में आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, वो है पॉसिबिलिटी वाला। कौन सा वाला, संभावना वाला। अब संभावना वाले निष्कर्ष को किस तरीके से हल करना है, इससे पहले जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सबसे सकारात्मक संभावना को कैसे हल करना है वो सिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसके दो रूल्स है, बेसिकली आपको इसमें दो चीजें देखनी होती है। तो पहला रूल तो यह है कि डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, जो सब में होगा, ठीक है, जो भी कंक्लूजन डेफिनेटली राइट है वो पॉसिबिलिटी में डेफिनेटली रॉन्ग होगा। मतलब जो भी निश्चित रूप से सत्य है वो संभावित रूप से गलत होगा। ये सिलोगिज्म का सबसे बेसिक रूल है। ठीक है, अगला आपको यहां पे देखना है कि आपके पास नन वाले, क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। मतलब कोई नहीं वाला निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अब ये तो क्या हो गया कि बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने आपको किस तरीके से सिखाया, डेफिनेटली रॉन्ग कब होगा। मतलब आप मान लो कि ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग के लिए आप इस शब्द को हटा दो, सम ए आर बी ऐसा लिखा हुआ होता तो वो डेफिनेट, अगर ये सही होगा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर डेफिनेटली ट्रू हो गया तो पॉसिबली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोल दिया मैंने, समझाता हूं मैं आपको। मतलब आपके पास एक डायग्राम आया,
इसमें है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, फिर आपके पास ऑल बी आर सी, सारे बी क्या है, सी है, निष्कर्ष देखिए आपको सम ए आर बी, ठीक है, तो ए और बी टच हो रहे, ये देखते ना हम लोग ए और बी टच हो रहे कि नहीं हो रहे, तो ये तो सही हो गया, ठीक। अब दूसरा कंक्लूजन आपको दे दिया, सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो हमें क्या देखना है, अगर वो डेफिनेटली ट्रू हो गया, मतलब जैसे ए और बी टच हो रहा है, अगर वो डेफिनेटली ट्रू हो गया तो पॉसिबली क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग, ठीक है। ये दोनों चीजें गलत होगी तो ही यहां पर क्या आएगा, सही आएगा। आया सबको समझ में, सिंपल है। मान लो इसी डायग्राम के ऊपर मैं आपको दे दूं, सम सी कैन बी ए, और फिर कह दो मैं सम ए आर सी, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो इन कंक्लूजन, इन दोनों कंक्लूजन में एक है पॉसिबल कंक्लूजन और एक है आपका डेफिनेट कंक्लूजन, तो दोनों को अलग अलग तरीके से हल करना होगा। तो पहले वाला जो है वो इस कैन की वजह से है ना, हिंदी में बोलेंगे इसको कुछ सी ए हो सकते हैं, ठीक। तो कैन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वो संभावना वाला हो गया, और संभावना वाले में क्या देखेंगे, सबसे पहली बात कि ए और सी तो टच नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए का सर्कल ये रहा और सी का सर्कल ये रहा, टच हो रहा है, अगर टच हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। वो का वही निष्कर्ष, अगर आपका पॉसिबल नहीं है और डेफिनेट है तो वो राइट हो जाएगा, सम ए आर सी, मतलब कुछ ए सी है, और ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे, वो टच हो रहा है, अगर वो टच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सही, मतलब डेफिनेट में जो सही है वो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट कौन सा, डेफिनेटली रॉन्ग वाला। तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से नहीं, आपको ये याद रखना है कि टच अगर हुआ तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब टच नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला रूल क्या है, नन वाले कंक्लूजन गलत होना चाहिए। नन वाले कंक्लूजन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इन सबको हटा रहा हूं मैं। नन मतलब होता है हिंदी में कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको जो डायग्राम बनाना सिखाया है उसमें हम लोग ऐसा बनाते हैं कि कुछ ए बी हैं, जो मान लो कि क्वेश्चन आया कोई ए कोई बी सी नहीं है और सब सी क्या है, डी है, फाइन, ऐसा एक डायग्राम आया। अब मैं आपको इसमें कंक्लूजन दूं, कुछ ए सी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, तो हमेशा आपको दो चीजें चेक करनी, पहली तो वो डेफिनेटली रॉन्ग, और डेफिनेटली रॉन्ग को कैसे देखेंगे हम लोग, टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ए और सी टच हो रहे हैं, ये रहा ए ये रहा सी, तो पहला पार्ट तो ये वाला आ गया गलत, और नन वाला कंक्लूजन भी गलत होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ए सी नहीं है, आपको कैसे पढ़ना है इसको, कोई ए सी नहीं है, क्या ए पूरा छेड़ी के दायरे में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और अगर ये दोनों कंडीशन गलत हो गई तो संभावना में क्या हो जाएगा, वो सही। अब आपको लगेगा कि मैंने कोई नहीं वाला क्या करा दिया, दोस्तों मैं इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कि कोई नहीं को कैसे हल करते हैं, छड़ी का कैसे उपयोग करते हैं, तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके देखें, अगर आप उनको नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ जोर से हो गया, साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर ही तो हमारी एनर्जी है। कोरोना नो कोरोना कमिंग बैक, तो वापस क्या है, जोक्स अपार्ट, कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कुछ से सकारात्मक संभावना आएगी तो आपको दो चीज चेक करनी होगी, पहली तो निश्चित रूप से गलत हो और दूसरी क्या हो, दूसरी की वो उसमें नन वाला जो कंक्लूजन हो वो भी डेफिनेटली क्या हो, रॉन्ग हो। अब इसको कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए पहला तो इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ से जो निष्कर्ष आएगा सकारात्मक संभावना में वो टच नहीं होना चाहिए, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति टच नहीं होना चाहिए, एक तो ये गलत होना चाहिए, दूसरा उन दोनों के बीच में छड़ी नहीं होना चाहिए, छड़ी मतलब वो पूरे पूरे छड़ी के दायरे में नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों चीजें गलत हुई तो वो संभावना में निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसी कर देखिए हम लोग, तो देखो ए छड़ी में है क्या, पूरा नहीं है, क्या ए और सी टच हो रहे, नहीं है, ये दो सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं,
और संभावना में क्या हो जाएगा, सही। अगला देखिए, कुछ सी बी हो सकते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, सी और बी के बारे में बात चल रही है। तो पहली बात, सी और बी टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे। दूसरी बात, क्या सी और बी पूरे पूरे छड़ी में है, हाँ है। अगर है तो संभावना में गलत, समझ में आया। तो ये दो बातें आपको हमेशा चेक करनी होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं बना के। सब ए बी हैं, डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूं मैं, कोई भी सी नहीं है, सब सी डी है, कुछ डी ई है। तो यहां पे पांच वेरिएबल का डायग्राम बनाया मैंने आपको। सब ए क्या है, बी है, कोई भी बी सी नहीं है, सारे सी डी हैं और कुछ डी ई हैं। अब यहां पर निष्कर्ष देखते हैं हम लोग, कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष ही देखते हैं कि कुछ ए ई हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डी बी हो सकते हैं। कुछ ए सी हो सकते हैं, कुछ सी ई हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ ई डी हो सकते हैं। देखो वर्ड्स का मेल फीमेल नहीं होते, तो हो सकती ही नहीं लिख सकते, है ना, हो सकते सकते। तो ये इस डायग्राम के ऊपर मैंने कुछ कंक्लूजन दिए, आप लोगों के आंसर आ गए होंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको कराना सिखा रहा हूं उस तरीके के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। जब भी कुछ से क्या हो जाए, सकारात्मक संभावना आए, तो आपको दो बातें चेक करनी है, पहली तो वो टच नहीं हो और दूसरा उनके बीच में छड़ी ना हो। पहली क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, पहली टच नहीं हो, मतलब डायग्राम में वो क्या हो, टच नहीं हो रहे हो। दूसरा, उन दोनों के बीच में छड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कुछ ए ई हो सकते हैं, कुछ से सकारात्मक संभावना है, क्या ए और ई टच हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, ठीक। दूसरी बात, आपको क्या देखना है कि ए और ई पूरे छड़ी में नहीं आना चाहिए। ए छड़ी में आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखो ये ए पूरा इसके अंदर आ रहा है बी में और बी जा रहा है सी में, तो पहला वाला व्यक्ति तो पूरे छड़ी में आ रहा है। क्या ई भी पूरे छड़ी में आ रहा है, तो देखो छड़ी यहां पर जा रही है, छड़ी जा रही है यहां तक, क्या इसके अंदर ई है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अगर पूरा छड़ी में आ जाता तो क्या हो जाता, वो सही हो जाता। ये दोनों गलत होंगे तो संभावना में क्या होगा, सही होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बैट, किस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा कभी, इस तरीके से करेंगे आपका आंसर 100% सही आएगा। तो बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करें, ठीक है, एक दो एक ऐसे नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं। तो पहली बात क्या है, पहली बात है कि हमको ये देखना है कि डी और बी टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो क्या डी और बी टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो गलत कर दिया, ठीक। फिर दूसरी बात क्या देखना है, क्या डी और बी पूरे छड़ी में है, क्या डी पूरा छड़ी में है, देखो डी तो छड़ी में है ही नहीं, डी का सिर्फ इतना ही भाग क्या है, छड़ी में है, पूरा छड़ी में है क्या, दोनों छड़ी में होना चाहिए। पहले वाला होता तो हम लोग दूसरा वाला चेक करते, जब पहले वाला ही नहीं है तो दूसरा वाला देखने की जरूरत है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। आई बात समझ में। अगला है, कुछ ए सी हो सकते हैं, वापस से दो सवाल पूछने अपने आप से आपको, वो जल्दी बोल दिया, वापस से दो सवाल अपने आप से आपको पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये टच हो रहे हैं, दूसरा सवाल, क्या इनके बीच में छड़ी है। तो पहला सवाल, क्या ए और सी टच हो रहे हैं, तो ए एरा सी एरा टच नहीं हो रहे हैं। दूसरा है, क्या ए और सी के बीच में छड़ी है, बताएं आप लोग, छड़ी है, है, हाँ है, है, सही बात है, ए और सी जो है छड़ी के दायरे में, कैसे है, देखो ये ए पूरा बी के अंदर आ रहा है और बी से छड़ी जा रही है, तो मतलब ए छड़ी के दायरे में आ गया, कंप्लीटली आ गया, और बी से छड़ी जा रही है सी पे, और सी भी क्या है, पूरा छड़ी के दायरे में,
तो जब दो सवाल हमने आपसे अपने आपसे पूछे थे, पहला सवाल था कि टच हो रहे तो टच तो नहीं हो रहे थे, दूसरा सवाल कि पूरे पूरे छड़ी में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो क्या आ गया, छड़ी में आ गया, और अगर छड़ी में आ गया तो संभावना में क्या हो जाएगा, वो गलत। समझ में आया? ये दोनों गलत होंगे तो संभावना में सही होगा, अगर इन दोनों में से कुछ भी सही हो गया तो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, कुछ सी ई हो सकते हैं, तो वापस से दो सवाल, क्या सी और ई टच हो रहे हैं, जरा सी जरा ई टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे। दूसरा सवाल, क्या सी और ई के बीच में छड़ी है, तो सी से छड़ी है यहां पे, क्या ई है इसमें, मतलब ई छड़ी में नहीं आ रहा, ई छड़ी में नहीं आ रहा मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, गलत। तो दोनों चीजें क्या हो गई, गलत, और दोनों चीजें गलत हो गई तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही, कि कुछ सी ई हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कुछ बी ए हो सकते हैं, तो वापस से दो सवाल, पहला टच हो रहे कि नहीं, तो देखो बी और ए तो क्लियरली टच हो रहे हैं, तो दो सवाल में से जब पहला वाला ही सही हो गया तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये सही है तो यहां पर संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है दोस्तों, अगला है कुछ ई डी हो सकते हैं, अब वापस से दो सवाल, क्या ई और डी टच हो रहे हैं, तो ये रहा डी ये रहा ई टच हो रहे हैं, ये टच हो रहे हैं तो यहां पर सही हो गया, तो यहां पर क्या करना है आपको, गलत। इतनी ही आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल तरीके से आपको सोचना होता है टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो, क्योंकि जब सब के रूल पढ़ोगे, कुछ के रूल पढ़ोगे, कुछ नहीं के रूल पढ़ोगे, कोई नहीं के संभावना वाले रूल पढ़ोगे, तो दिमाग में ना खिचड़ी जम जाती है। वैसे भी निश्चित और संभावनाओं को अगर एक साथ करते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हिंदी उच्चारण क्या होगा इसका, धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मतलब ये होगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको ये बेसिक सिखा दिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो ही क्वेश्चन है आप लोगों को हल करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और उसके बाद आपको बताएंगे रीजनिंग के लेजेंड कि इसको किस तरीके से हल किया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से करिए, आपके पास 20 सेकंड है। तो आई होप कि आप सबका आंसर आ गया होगा, इतना टाइम तो लगता रही है, तो मैं भी आपको करा देता हूं। तो क्वेश्चन क्या, कथन बना रहा हूं मैं, कुछ नीले हरे हैं, तो कुछ नीले क्या है, हरे, सबको याद है ना किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा ना तो मेरा पढ़ा पढ़ाया सारा जो निचोड़ है आपके किसी काम का नहीं है। कुछ ग्रे नीले हैं, तो ग्रे का कुछ भाग क्या है, नीले, तो ये ग्रे बना लिया। अगला है सभी हरे सफेद हैं, सभी हरे क्या है, सफेद, तो जितने भी हरे हैं वो काई में आ जाएंगे, सफेद में आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना होगा आपका, मेरा डायग्राम जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक जैसा दिखे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रे और हरा टच नहीं हो, अगर आपने उसको टच कर दिया तो क्या कर दिया, आपने कथन से ज्यादा कर दिया, हमें उतना ही करना है जितना हमें कथन में कहा गया, स्टेटमेंट में हमें जितना बताया गया। कंक्लूजन क्या है इसके ऊपर, कुछ ग्रे के सफेद होने की संभावना है, कुछ ग्रे के सफेद होने की संभावना है, दो प्रश्न अपने आप से पूछने हैं आपको, क्या ये टच हो रहा है, क्या इनके बीच में छड़ी है, तो क्या ग्रे और सफेद टच हो रहे, नहीं हो रहे, क्या ग्रे और सफेद के बीच में छड़ी है, नहीं है, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, अगला निष्कर्ष है सभी हरे के ग्रे होने की संभावना है। अब देखो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसा तो नहीं कि कुछ वाला है तो कुछ वाला ही चलता रहेगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सब वाला पढ़ा दिया था, तो सब वाला आपको रूल याद है, सब वाला रूल क्या है जल्दी से बताओ, अच्छा ये सही है कि गलत, ये बताओ कि सभी हरे क्या था, सभी हरे के ग्रे होने की संभावना है, क्या सभी हरे के ग्रे होने की संभावना है, रूल क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि तो कुछ नहीं वाला गलत होना चाहिए और एक निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, मतलब पहला व्यक्ति कंप्लीटली दूसरे के अंदर नहीं आना चाहिए, तो सभी हरे के ग्रे होने की संभावना है, तो क्या सारे हरे ग्रे में आ रहे हैं,
नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज क्या देखनी थी हमें कि कुछ से नकारात्मक संभावना गलत हो, मतलब छड़ी हो। तो क्या हरे और ग्रे के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर आएगा दोनों सही और ऑप्शन नंबर होगा आपका ई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और जिन बच्चों को सब वाला समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे लिंक है। अब होगी कि नहीं होगी नहीं पता, लेकिन प्लेलिस्ट में इससे पहले वाला लेक्चर है जिसमें मैंने पढ़ा है कि सबसे सकारात्मक संभावनाओं किस तरीके से हल किया जाता है, उसको देखो और आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा प्रश्न नहीं है मेरे पास कुछ नहीं वाले के लिए। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं, जिनको जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका समय शुरू होता है अब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, बार बार बोलने की जरूरत नहीं हो पड़नी चाहिए, बिकॉज आपका शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन ही क्या है, हमारा मोटिवेशनल बूस्टर है। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर हम तभी बना पाएंगे जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे। हो गया सबका? चलिए देखते हैं, समय समाप्त। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सीधे डायग्राम के ऊपर जाते हैं। सभी सॉइल प्लांट हैं, ठीक है, तो सब वाला डायग्राम बनाए। तो सब वाला डायग्राम कैसे बनाते हैं कि सभी सॉइल क्या है, प्लांट। अगला है कोई पृथ्वी प्लांट नहीं है, तो प्लांट और पृथ्वी दोनों क्या आ जाएगा, पीपी से आ जाएगा, तो दो अल्फाबेट ले लिए। तो कोई भी पृथ्वी क्या नहीं है, प्लांट नहीं है। सभी पृथ्वी पानी है, तो पी से एक और चीज आ गई, तो हमें कंफ्यूजन तो होगा नहीं कि पानी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पीएन कर देंगे। तो लगभग लगभग सबका यही डायग्राम बना होगा। और ध्यान रखना दोस्तों कि आप पाप ना काटे, पाप ना काटे मतलब कि आप इस तरह के डायग्राम बिल्कुल मत बनाना। ठीक, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। क्या होता है ना कि ये जो क्रॉस बोला गया एग्जैक्टली किसके लिए बोला गया, ये जल्दबाजी में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ डायग्राम इस प्रकार का ही बनना चाहिए, इस प्रकार का आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। 50-50 चांसेस हो जाएंगे आपके, 50% आपका आंसर सही आएगा, 50% आपका गलत आएगा। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे और जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ उस तरीके से करोगे तो आपका आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या डायग्राम। अब हम लोग आंसर को देखें, एक क्वेश्चन को देखो, निष्कर्ष को देखें। कुछ प्लांट के पानी होने की संभावना है, कुछ प्लांट के पानी होने की संभावना है। तो दो सवाल अपने आप से पूछने हैं आपको, क्या प्लांट और पानी टच हो रहे हैं? तो ये रहा प्लांट, ये रहा पानी, टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि प्लांट और पानी पूरा छड़ी में आ रहा है क्या? तो देखो प्लांट तो पूरा छड़ी में आ रहा है, क्या पानी पूरा छड़ी में आ रहा है? पानी तो इतना सारा भार है, मतलब पूरा तो छड़ी में है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और अगर ये दोनों बातें गलत हैं तो निष्कर्ष में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना ही आसान है दोस्तों। अगला है कोई पानी सॉइल नहीं है। अब देखो ये संभावना वाला नहीं है, ये डेफिनेट रूल वाला है। कोई पानी क्या नहीं है, कोई पानी सॉइल नहीं है। तो कोई में हम लोग क्या देखते हैं कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी में आए और दूसरा वाला व्यक्ति भी पूरी तरीके से छड़ी में आए, और छड़ी कॉमन होना चाहिए। तो सॉइल ए पानी और सॉइल, तो सॉइल तो पूरा छड़ी में है, क्या पानी पूरा छड़ी में है? नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत और हमारा आंसर आएगा केवल पहला सही, और ऑप्शन नंबर है आपके सामने ए। तो इस तरीके से कुछ से संभावना वाले निष्कर्षों को हल किया जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको वैसे तो एनआईए का जो हमारा स्टार्टिंग का वीडियो प्ले होता है उसमें हमारे नंबर लिखे होते हैं, लास्ट में हमारे नंबर लिखे हुए होते हैं। नहीं तो आप हमारे एनआईए के पेज पे जाएंगे, एनआईए कि एप्लीकेशन या ना कि वेबसाइट में जाएंगे, वहां सब जगह हमारे नंबर लिखे हुए हैं। वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है मेरे नाम से लिखा हुआ 8109508074 वाला, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आए। बहुत इजीली मैं आपको करना सिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी होगा। मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि आप लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहें, अपनी तैयारी जारी रखें, जारी रखें, हाँ जारी रखें। और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसके आधार पर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और उससे आप आराम से
नहीं करते हुए जो है आप 30 और 38 के बीच में आप नंबर ला सकते हो, 30 से 38 डिपेंड करता है कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज के लिए काफी होगा, नमस्कार, जल्दी मुलाकात होगी।